OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन, इस बार हम आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर के आए हैं। तीन खबरें होंगी, उसके बाद हम एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि क्या हो सकता है, चांसेस क्या है एग्जामिनेशन होने और ना होने के बारे में। पहली न्यूज ये है कि कल, हाँ जी कल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर लताड़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अगेंस्ट में, लेकिन जब 26 जून को एग्जाम पोस्टपोन किए गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दी कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कहा है कि क्यों ना हम आपके खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट का प्रोसेस इनिशिएट करें, और उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया हुआ है कि आप बताओ कि क्यों ना करें। इससे एक बात साबित होती है कि काफी प्रेशर आ जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के ऊपर इस बात को लेकर के कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करें या ना करें। दूसरी खबर, यूजीसी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है डीपी सिंह, उनको दो अलग अलग लोगों ने एक लेटर लिखा हुआ है। पहली, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक लेटर लिखा मिस्टर डीपी सिंह को, प्रोफेसर डीपी सिंह को, कि हम एग्जामिनेशन कैंसिल कर दें, और गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने फाइनली ये मान लिया कि जो भी टर्मिनल एग्जामिनेशन हैं जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं उनके एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। और जो ड्यूटा के अध्यक्ष हैं राजीव रे, उन्होंने भी एक लेटर लिखा हुआ है डीपी सिंह को और बोला हुआ है कि खुद आप इस बारे में प्रोसेशन लें, इनिशिएशन लें कि जितने भी ओपन बुक एग्जामिनेशन हैं इस माहौल को देखते हुए आप इस चीज को एग्जाम को कैंसिल कर दें, क्योंकि डीयू ने एग्जाम जो कि स्टार्ट होने वाले थे 1 जुलाई से उसको पोस्टपोन कर दिया 10 जुलाई में। तो क्या कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा 10 दिनों के अंदर कि हम एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे, कितना सिचुएशन कंड्यूसिव हो जाएगा कि हम एग्जाम कंडक्ट कर लें। इस सिचुएशन को देखते हुए जितने भी छात्र संगठन हैं या जितने भी टीचर्स एसोसिएशन हैं उन सब ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि यूजीसी खुद इंटरवीन करे इस मामले में और एग्जाम को कैंसिल कर दे। इसके अलावा जो कई सारे यूनियन हैं उन्होंने इस बार पीएम मोदी से भी अपील की है कि अब चूंकि वो खुद अपील करें। इस बारे में अगर हम रिपोर्ट्स की माने या सुने तो कहा जा रहा है कि जो डीयू के वीसी हैं प्रोफेसर त्यागी, प्रोफेसर योगेश त्यागी, वो खुद एडमेंट हैं इस बात को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन बहुत से इंटरनल जो टीचर्स हैं उस बात के विरोध में हैं कि एग्जाम कंडक्ट ना कराया जाए, लेकिन बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से इस बारे में डिसीजन आ जाना चाहिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इस बीच यूपी में 48 लाख बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एग्जाम में अपीयर होने वाले थे उनके एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, उनको प्रमोट कर दिया गया। मेरठ यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं प्रोफेसर तनेजा, उनके अंडर में जो एक कमेटी बैठी थी उन्होंने सिफारिश की है सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि आप एग्जाम को कैंसिल कर दें, और इस माहौल को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने उनके जो डिमांड थे, जो रिपोर्ट थी, उसको मान ली है और 48 लाख बच्चों को पास कर दिया है। लेकिन अभी उन्होंने पास करने का कोई नियम नहीं दिया हुआ है कि किस नियम के आधार पर पास करेंगे, लेकिन उनको भी पास कर दिया गया है। तो गौर करने वाली बात यह है कि जितने आसपास के स्टेट हैं, पंजाब ने जो भी एग्जाम है उसको डिफर करके 15 जुलाई कर दिया हुआ है, बाकी सारे लोगों ने भी अपील किया हुआ कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इससे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मिस्टर त्यागी, उनके ऊपर बहुत सा प्रेशर माउंट हो रहा है कि एग्जाम कैंसिल कर दिए जाए। अब आगे की न्यूज देखते हैं। वैसे रिपोर्ट्स की माने, मैं आपको बता रहा हूं, रिपोर्ट्स की अगर माने तो इंटरनल रिसोर्सेस का यह कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये चाहती है कि एग्जाम कैंसिल ही हो जाए, लेकिन वो खुद से इनिशिएट नहीं लेना चाह रही है, इसलिए उसने 10 दिन का टाइम बाय किया कि इन द मीन टाइम यूजीसी खुद इस एग्जाम को कैंसिल कर दे। तो इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से भी जो न्यूज आ रही है वो यही कह रही है कि कहीं ना कहीं खुद डीयू 10 दिन का टाइम सिर्फ इसलिए उसको एडवांस किया हुआ है कि एग्जाम कैंसिल यूजीसी की तरफ से आ जाए। तो सारे सिचुएशन को देखा जाए कि यूपी में एग्जाम कैंसिल हुआ है, प्रोफेसर डीपी सिंह जो है वो भी इंटरवीन करने के में उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि एग्जाम कैंसिल कर दें, देख के जो माहौल बन रहा है उससे यही लग रहा है कि बहुत जल्दी यूजीसी खुद इंटरवीन करेगी और सिचुएशन में इंप्रूवमेंट तो है नहीं कि ओबी के जो एग्जाम है वो जल्दी ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। विद इन अ वीक इसकी न्यूज आ जाएगी और आप तक सबसे पहले पूरी खबर पूरे डिटेल में हम आपके पास लेकर के आएंगे।